साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की पुलिस ने, इन पर्टिकुलर आरकेपुरम थाना के स्टाफ ने 8 लोगों को गिरफ्तार करके, जो कि लिफाफा गैंग के हैं, एक बड़ा अच्छा काम किया है। ये टोटल 3 गैंग हैं जिनके 8 मेंबर्स गिरफ्तार हुए हैं, और इसी साल के अगस्त से इन लोगों ने आम जनता को बेवकूफ़ बना के उनका पैसा, उनकी ज्वेलरी और उनके ATM कार्ड्स वगैरह लूटना शुरू किया था। थाना आरकेपुरम, थाना वसंत कुंज, थाना सरोजिनी नगर, इन 3 थानों में इनका जो मेन एरिया ऑफ ऑपरेशन था वो था। जैसा कि मैंने बताया, अगस्त से इनकी वारदातें शुरू हुई थी और करीब 1,33,000 रुपये की जो राशि है वो ये लोग अभी तक लूट चुके हैं। इसके अलावा 20 ATM कार्ड ये लोग उनसे लूट चुके हैं। और इनकी जो मोडस ऑपरेंडी थी वो इस तरह से रहती थी कि किसी भी मासूम आदमी को, जो इनको लगे इतना टेक्नोलॉजिकल फ्रेंडली नहीं है, उसको सबसे पहले ये स्पॉट करते थे किसी बस स्टैंड पे। वहाँ पे उस आदमी के साथ में 1 या 2 इनका मेंबर रहता था जो कि उस आदमी को स्पॉट कर लिया करता था। उसके बाद में एक कोई गाड़ी आया करती थी, टैक्सी, उसमें ऑलरेडी 2 मेंबर्स बैठे रहते थे और वो बोलते थे कि आइए आइए टैक्सी आइए, इसमें बैठ जाते हैं और चलते हैं अपने गंतव्य पे। जब वो आदमी टैक्सी में बैठ जाया करता था तो उसके बाद में जो आगे बैठे 2 आदमी होते थे उनके पास में वॉकी टॉकी सेट रहते थे और उसमें वो ऑलरेडी प्री रिकॉर्डेड वॉइसेस चलाते थे, ऑडियो क्लिप्स, जो कि ऐसा प्रतीत होता है कहीं उन्होंने रिकॉर्ड करी हैं और विक्टिम्स को डराने के लिए, और ऐसा मालूम होता है कि उसमें पुलिस की कम्युनिकेशन चल रही हो। इसके बाद में उनके पास में दिल्ली पुलिस के फेस मास्क भी रहते थे कोरोना से बचने के लिए, तो एक तरह की ऑथेंटिसिटी विक्टिम्स के माइंड में आ जाती थी कि ये पुलिस का ही स्टाफ है। और उसके बाद में वो उनको बोलते थे कि आगे पुलिस की चेकिंग चल रही है, हम लोग भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, आप अपना पैसा, अपना जो भी ज्वेलरी है और आपका जो ATM कार्ड है और आपके मोबाइल का जो सिम कार्ड है वो इस लिफाफे में डाल दीजिए जो हम आपको दे रहे हैं। वो लिफाफा वो लोग ले करके अपने गाड़ी में आगे डैशबोर्ड में डाल दिया करते थे और जहाँ पे भी उसको ड्रॉप करना होता था उसको उतार के एक दूसरा लिफाफा उनको दे देते थे जिसमें न तो वो कैश होता था, कार्ड के नाम पे एक कार्ड की तरह से खाका बना के डाल दिया करते थे और कुछ नकली ज्वेलरी या कुछ ऐसे कंकड़ पत्थर डाल दिया करते थे जिससे कि लगे ऑथेंटिक लिफाफा है। विक्टिम अपना लिफाफा लेके चला जाया करता था। सिम कार्ड लेने का उनका मकसद यही था कि जब वो ATM कार्ड को इस्तेमाल करेंगे बाद में, जो कि उन्होंने विक्टिम से लिया है, तो उस कैश विड्रॉल का जो भी नोटिफिकेशन है वो मोबाइल फ़ोन पे नहीं आएगा। ये उनका मकसद रहा करता था सिम कार्ड निकालने का। तो इस तरह की हमारे ज़िले में अगस्त से लेकर के अब तक 8 वारदात हुई थी। आरकेपुरम में 5 हुई थी, वसंत कुंज नॉर्थ में 2 और सरोज नगर में 1। इसके बाद में एक केस में, सरोज नगर के केस में, हमको गाड़ी का नंबर सामने आया था जो कि FIR में मेंशनड है, तो उसी के आधार पर और टेक्निकल इनपुट्स के आधार पर हम लोगों ने 3 जगह पर ट्रैप लगाया था क्योंकि वारदात 3 थानों को प्रभावित कर रही थी। एक हमारा नेशनल हाईवे 1 महिपालपुर पे हमने लगाया था जहाँ बस स्टैंड है, एक हमने धौलाकुआं पे लगाया था ट्रैप, और एक ट्रैप हमने आरकेपुरम थाना क्षेत्र में विवेकानंदा मार्ग और हयात होटल, जो इनका इंटरसेक्शन बनता है, वहाँ पे लगाया था। कल रात में करीब 8:30 बजे हमारे जो भी एफर्ट्स थे वो काफ़ी वो रहे, सक्सेसफुल रहे। कांस्टेबल मोहित को इत्तला आती है कि एक सिमिलर लुकिंग गाड़ी में 3 आदमी बैठे हैं और वो जो 3 आदमी हैं वो संदिग्ध लग रहे हैं, तो उसने अकॉर्डिंगली, क्योंकि हमने ट्रैप सिविल गाड़ियों में लगाया था ताकि उनको अंदेशा ना हो, मोहित ने उस गाड़ी को रोकने को कहा वहीं पे। उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी और एक छोटी सी चेज़ के बाद में उस गाड़ी को कट ऑफ किया गया। इन द मीन टाइम मोहित ने हमारी टीम को भी इत्तला कर दिया था, तो सारी टीम वहाँ पहुँच गई। हमारी टीम को लीड कर रहे थे इंस्पेक्टर देवेंद्र, थाना आरकेपुरम में इंस्पेक्टर हैं, उसके साथ में 3 सब इंस्पेक्टर थे, 1 हेड कांस्टेबल और 4 कांस्टेबल थे। उन्हीं कांस्टेबल की टीम का पार्ट कांस्टेबल मोहित था। उनको जब पकड़ा गया तो पहली नज़र में उन्होंने अपना नाम, एक का नाम था प्रदीप, एक का नाम इसरार और एक का नाम था मोनू। प्रदीप पे ऑलरेडी 21 केस हैं, इसरार पे ऑलरेडी 7 केस हैं और मोनू पे ऑलरेडी 40 केस हैं। मोनू गीता कॉलोनी का BCB है और इन सब ने इस बात का इंकशाफ किया कि वो इस पूरे क्षेत्र में ये सारी वारदातें करते थे। इसके बाद में इन्हीं की निशानदेही पे इनसे पता चला कि ये सारे के सारे मिलके त्रिलोकपुरी में एक डियर पार्क है, जितना भी माल इकट्ठा करते हैं उसको वहाँ पे बांटा जाता है। तो इमीडिएटली रेडिंग टीम तैयार करेगी अंडर द सेम टीम और इनके साथ में वहाँ पे टीम भेजी गई। जब वहाँ पे टीम भेजी गई वहाँ पे 2 और गैंग्स मिले, जिसमें एक में अंकित था, माइक्रा गाड़ी के साथ में वो आया था, और एक में कमल था जो स्विफ्ट गाड़ी के साथ में आया था। ये गाड़ियाँ ओरिजिनल हैं, इन्हीं के नाम पे हैं और टोटल जो इसमें 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इनका जो डिस्पोजल रहता था, जो भी प्रॉपर्टी ये लोग इकट्ठा करते थे,
जो गोल्ड ज्वेलरी वगैरह इकट्ठा करते थे वो मुथूट फाइनेंस में दे दिया करते थे। इनके वहाँ पे अकाउंट्स भी बने हुए हैं जो एक्यूज़ ने अपनी वाइफ्स के नाम पे बनाए हुए हैं। और इसके अलावा जो ज्वेलरी है वो ये बताते हैं इन्होंने कहीं त्रिलोकपुरी में किसी ज्वेलर को बेची है, जिसमें हम लोग अभी काम कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन इज़ ऑन। जब पुलिस कस्टडी लाई जाएगी और थोड़ा इंटरोगेशन किया जाएगा और उनसे पता किया जाएगा। ड्यूरिंग इंटरोगेशन ये भी पता चला है कि इन्होंने ऑल ओवर दिल्ली कई वारदातें की हैं। अभी लेटेस्ट इंटरोगेशन में हमको ये पता चला है कि साउथ डिस्ट्रिक्ट के कोटला मुबारकपुर और डिफेंस कॉलोनी के भी कुछ केसेस में ये इन्वॉल्व हैं, तो वो भी केस वर्कआउट हो गए हैं।